Assalamu alaikum. My name is Bashir Ahmad and I am lecturer in chemistry at Cadet College Bashir. आज का हमारा टॉपिक है क्लास है क्लास टेंथ के बारे में क्लास टेंथ केमिस्ट्री एंड वी हैव चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम. सबसे पहले इक्विलिब्रियम किस जबान का लफ्ज है दैट इज लैटिन वर्ड. इक्विलिब्रियम इज अ लैटिन वर्ड which means balance of forces, which means balance of forces. Equilibrium is a Latin word which means balance of forces. Equilibrium has two types in general. Physics ke wale se chemistry in general equilibrium has two types. First one is static equilibrium. Second one is dynamic equilibrium. Static equilibrium and dynamic both are the common types used in physics and chemistry for equilibrium. Static equilibrium ka ye matlab hai when all parts of the system are at rest. This is called static equilibrium. When all parts of the system may be chemical reaction, system may be in physics, mechanical work, when all parts of the system are at rest, it is called static equilibrium. Dynamic kya wale se kya hai? When different parts of the system are interconvertible, when different parts of the system are interconvertible. System mean chemical reactions ke different parts apas mein interconvert ho rahe hai, iska naam hai dynamic equilibrium. Chemistry mein dynamic equilibrium ke hawale se hamare paas special type hai chemical equilibrium. Chemical equilibrium is the type of dynamic equilibrium in general. Chemical equilibrium kya hai hamare paas? Chemical equilibrium is the किस तरह हम बयान कर सकते हैं when reactants are converted into products and vice versa. Reactants are converting into products and vice versa. Yeah. Reactants product में convert हो रहे हैं, product back into reactants में convert हो रहे हैं. This balance is called dynamic in specific chemical equilibrium. यानी आपके पास product है, reactant है A plus B, they are converting into C plus D products. Product वापस reactants में convert होते हैं, reactants product में, product reactant में. केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा किस किस्म के रिएक्शंस में हो सकता है? रिवर्सिबल रिएक्शंस में हो सकता है. केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, अ टाइप ऑफ बैलेंस जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट आपस में इंटरकन्वर्ट होते हैं. और ये किस किस्म के रिएक्शंस में हो सकता है? रिवर्सिबल रिएक्शंस में. नाउ वी विल डिस्कस रिवर्सिबल रिएक्शंस. रिएक्शंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं. रिवर्सिबल रिएक्शंस वो है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं. इन इस किस्म के रिएक्शन को रिवर्सिबल और इस इक्विलिब्रियम को, इस बैलेंस को केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं. दैट इज द डिफरेंस. रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो सकता है और रिवर्स रिएक्शन भी हो सकता है. फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है? रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और रिवर्स का मतलब है प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट्स होते हैं. रिवर्सिबल में फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है, रिवर्स रिएक्शन भी होता है. इसका ये मतलब है, फॉरवर्ड का ये मतलब है रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, आगे जा रहा है रिएक्शन, और रिवर्स का ये मतलब है प्रोडक्ट वापस इनटू रिएक्टेंट्स. रिवर्सेबल में दोनों होते हैं, फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स. यानी ए प्लस बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं
और इसी तरह C प्लस डी वापस A प्लस बी में कन्वर्ट हो रहा है। रिवर्सिबल रिएक्शंस आर डिनोटेड बाय डबल हाफ एरो, डबल हाफ एरो। रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास बहुत ज्यादा है जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम होती है। नेचुरल एग्जांपल हमारे पास है, नेचुरल एग्जांपल कुदरती, फर्स्ट वन इज कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन विच अचीव्स विच ऑब्टेन्स केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें कौन सा बैलेंस हो जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। कार्बन साइकिल क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो वो डिकम्पोज हो जाता है, वो ब्यूरिड हो जाता है जमीन के अंदर, फिर वो बैक्टीरिया उसको इस्तेमाल करते हैं, इसी फिर ऑर्गेनिक साइकिल इट इज देन कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट्स, इट इज देन यूज बाई प्लांट्स, देन यूज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये साइकिल को हम नाम देते हैं कार्बन साइकिल। इसी तरह आपके पास है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल किस तरह है, फॉर क्लाउड्स आते हैं, फिर बरसते हैं, फिर चैनल्स बनते हैं, चैनल्स फिर कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर ओशियन में ओशियन से फिर क्लाउड्स बनते हैं। ये है वाटर साइकिल, इट इज आल्सो रिवर्सिबल रिएक्शन। और इसमें भी कौन सा बैलेंस होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी डिस्टर्ब्ड, में भी स्ट्रेस्ड, इसके लिए फिर हमने कौन सा लॉ पढ़ना है, ली चार्टिलियर प्रिंसिपल पर पढ़ना है, जिसमें प्रेशर भी आ सकता है, टेम्परेचर भी आ सकता है, कंसंट्रेशन, ये सारे इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकता है। जैसे कि आपको पता है प्रेशर टेम्परेचर वगैरह की वजह से वाटर साइकिल इज डिस्टर्ब्ड, वाटर बैलेंस वाटर इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड। अभी इस रिवर्सेबल रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम को हम ग्राफ की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हमारे पास और एग्जाम्पल्स भी है एक्चुअली में। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन रिवर्सिबली आपको क्या बना रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए इधर 2 सल्फर, 2 इधर भी 2 सल्फर, 2 ऑक्सीजन, 2 4 6 3 2 6। एक और एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन प्लस आयोडीन रिवर्सिबली क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। बैलेंस करने के लिए 2। सो रिवर्सिबल रिएक्शन और केमिकल इक्विलिब्रियम के दरमियान हमारे पास क्या इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ के दो एक्सिस हैं, एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमेशा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल ड्रा करते हैं। कौन सा वेरिएबल ड्रा करते हैं, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो वेरिएबल है जिसका चेंज किसी पे डिपेंड नहीं करता है। लाइक है टाइम, टाइम गुजरता है, इसका चेंज किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, टाइम इज पासिंग। जबकि वाई एक्सिस पे हम कौन सा वेरिएबल ड्रा करते हैं, कौन सा क्वांटिटी ड्रा कर सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, कंसंट्रेशन। कौन है, कंसंट्रेशन मतलब मिकदार, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मिकदार हम इस साइड पे। टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज होती है, 5 सेकेंड के बाद एक कंसंट्रेशन, 10 सेकेंड के बाद एक और कंसंट्रेशन। सो टाइम गुजरने के साथ साथ कंसंट्रेशन चेंज होती है, कंसंट्रेशन डिपेंड ऑन टाइम, टाइम डज नॉट डिपेंड। आपके पास बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ पे आपके पास टाइम 0 सेकेंड है, ये यहाँ पे 10 सेकेंड है, 20 सेकेंड है, 30 सेकेंड है, एंड सो ऑन। यहाँ पे कंसंट्रेशन आपके पास 10 mole per liter है, यहाँ पे 20 mole per liter है, यहाँ पे 30 mole per liter है। कंसंट्रेशन हम ड्रा करते इस साइड पे। स्टार्टिंग में आपके पास बिल्कुल स्टार्ट ऑफ रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा होता है या रिएक्टेंट, आपके पास रिएक्टेंट ज्यादा होता है स्टार्ट में, और आपके पास प्रोडक्ट बिल्कुल स्टार्ट ऑफ रिएक्शन में कम है। रिएक्शन से पहले आपके पास रिएक्टेंट पड़ा हुआ है ज्यादा मिकदार में, तो आपने रिएक्टेंट इधर लिखना है। आपके पास एक रिएक्टेंट है आयोडीन, दूसरा रिएक्टेंट आपके पास है हाइड्रोजन, दोनों आपके पास ज्यादा है, पर 30 mole है या 40। और आपके पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपके पास कौन है, यहाँ पे HI, हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट आपके पास बिल्कुल जीरो है, ना होने के बराबर है स्टार्ट ऑफ रिएक्शन में। After some time, reactants कम हो
डिक्रीजेस, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कम होता है और प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ता है। रिएक्टेंट का मिकदार कम होता है, प्रोडक्ट का मिकदार बढ़ रहा है। कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कम हो रहा है और प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ रहा है। ऐसा टाइम आएगा कि दोनों का जो कंसेंट्रेशन चेंज है, द चेंज इन कंसेंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन में जो चेंज आ रही है, चेंज हम पढ़ेंगे रेट, वो चेंज बराबर हो जाता है जब ये दोनों का चेंज यानी भी एक खास रेट से इसका इसकी कंसेंट्रेशन में चेंज आ रही है और एक रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन में भी एक खास टाइम पे चेंज आ रही है। ऐसा टाइम आएगा कि दोनों का जो चेंज है, दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन है, वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। सो एट दिस टाइम इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। यहाँ पे अभी इक्विलिब्रियम नहीं है स्टार्टअप रिएक्शन में, बिल्कुल यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है। After some time, reactants का जो concentration है वो कम हो रहा है, product का concentration बढ़ रहा है। एक खास time आएगा कि दोनों के concentration में जो change आ रही है वो change आपस में बराबर होती है। पर इधर भी 10 mole per liter change आ रही है, इधर भी change, दोनों का change जब बराबर हो, smooth हो, बिल्कुल equal हो, इन rate of reaction बराबर हो, change up in concentration बराबर हो, फिर इसको हम नाम देंगे chemical equilibrium। केमिकल इक्विलिब्रियम पे चेंज यानी रेट बराबर होती है जबकि कंसंट्रेशन बराबर नहीं होती। इट वाज द प्रेजेंटेशन विद हेल्प ऑफ ग्राफ। इसी तरह हमने कुछ टर्म्स याद करने हैं, टर्म्स जो आगे इस चैप्टर में इस्तेमाल होंगे। सबसे पहला पॉइंट उसमें है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है? Concentration is the amount of reactants or products during a chemical reaction. Concentration is the amount of reactants or products. Product या reactant के amount का नाम देंगे concentration. Concentration के लिए हमें कौन सा symbol इस्तेमाल करना है? Symbol is square bracket. कंसंट्रेशन हम इस्तेमाल करेंगे केमिस्ट्री में, इसके लिए सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट। और कौन सा यूनिट हम इस्तेमाल करेंगे? इसका यूनिट है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर में हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट उठाने हैं, या मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर लीटर, आपने ये यूनिट इस्तेमाल करना है फॉर द कंसंट्रेशन। एक और टर्म है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज With respect to time, एक खास time है, इस change को नाम देंगे rate of reaction. Rate of reaction is denoted by R. It is the change in C. C मतलब concentration divided by change in time. Rate of reaction is the change in concentration. For example, 10 second के बाद product के concentration 10 mole से 12 mole हो जाता है, इस change को नाम देंगे rate of reaction. एक खास टाइम में चेंज आ रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है या बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इस चेंज को नाम देंगे रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन हम इस्तेमाल कर लेंगे। इसी तरह कंसंट्रेशन एंड यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। सो देयर इज बिग रिलेशन बिटवीन द केमिकल इक्विलिब्रियम एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसा बैलेंस है जो रिवर्सिबल रिएक्शंस में होता है, और रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है, प्रोडक्ट बनते हैं, और रिवर्स रिएक्शन भी हो सकता है यानी वापस रिएक्टेंट्स बन सकते हैं। इट हैज मेनी एग्जांपल्स इन लैब, मेनी एग्जांपल इन नेचर। एक और रिएक्शन हमारे पास है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल
रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो है जो कैन नॉट बी रिवर्स्ड, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। इट हैज ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन, इट इज ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ आगे जाते, पीछे नहीं आ सकते। इरिवर्सिबल मतलब सिर्फ फॉरवर्ड जाते हैं, यानी ए प्लस बी सिर्फ और सिर्फ सी प्लस डी में कन्वर्ट हो रहा है। दे कैन नॉट कम बैक ड्यू टू मेनी रीजंस, ड्यू टू कंडीशंस, ड्यू टू देयर नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एक खास कंडीशन आपने प्रोवाइड नहीं किया, इसलिए ये वापस नहीं आ सकते। खास टेम्परेचर, खास कंसंट्रेशन, खास प्रेशर पे ये वापस आ सकते थे, बट दे हैव एबिलिटी टू नॉट टू बी नॉट इरिवर्स्ड। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन वो है जो इरिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा कंप्लीट होते हैं, या ऐसे रिएक्शन जो कंप्लीट हो जाते हैं, रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट वापस नहीं आते। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर इनकम्प्लीट, ये हमेशा इनकम्प्लीट होते, कंप्लीट नहीं होते, वापस रिवर्स हो जाते। जबकि इरिवर्सिबल एक बार कंप्लीट हो जाए फिर रिवर्स नहीं होते। इसका एग्जांपल है केमिस्ट्री में ग्रेफाइट को आप रिवर्स करते हो डायमंड में, व्हेन यू कन्वर्ट ग्रेफाइट इनटू डायमंड इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन इन केमिस्ट्री। जबकि रिवर्सिबल के बहुत से एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के हवाले से एक लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक खास टाइम पे कितना चेंज आता है। तो उसके लिए हमने रेट के ऊपर हमने कौन सा लॉ पढ़ना है, लॉ ऑफ मास एक्शन इन डिटेल। थैंक यू अल्लाह हाफिज़।